ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? राइट अ मेथड कॉल्ड दिस, मेथड का नाम इज प्राइम होगा, जिसने एक्सेप्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर। एक्सेप्ट मतलब ये राउंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स में जो भेजना है। इसने रिटर्न करना है कोई ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स की डेटा टाइप हमें पता है कि बुलियन होती है, तो हम हेड में वॉइड की जगह बुलियन लिखेंगे। तो पुरानी वाली प्रैक्टिस में सिर्फ इतना सा फर्क है, हेड बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट आपकी रिटर्निंग टाइप पहले वॉइड थी, अब बुलियन होगी। तो उसी के अंदर एडिटिंग कर लेते हैं। आपने क्या किया, वॉइड की जगह पर बुलियन लिख लिया, ठीक है। अच्छा, पहले आप जो काम किया करते थे ये वही डिसीजन मेकिंग है जो आपने प्राइम की सीखी, ऑल दैट। लेकिन अब के बाद अगर तो वैल्यू जीरो है तो आपने एसओपी नहीं करवाना, आपने क्या करना है, रिटर्न करवाना है ना। तो रिटर्न आपने कब करवाना है, अगर तो वो प्राइम होगा तो रिटर्न क्या करवाना है, ट्रू, है ना, एसओपी की जगह। और एल्स रिटर्न फॉल्स। स्लाइड सा डिफरेंस था दोनों लर्निंग में, आपने देख लिया। हाँ, अब मेन में क्या करना है, मेन में देखते हैं। मेन में वही चीज, यूजर से एक नंबर इनपुट करवा लेना और उसको सेंड कर देना। अच्छा, ये वाली चेक भी अच्छा हुआ आप लोगों ने लगाया हुआ है, ये आप पढ़ते हो ना इसका लास्ट पर, परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन। हाँ, तो ये आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर वो नंबर 2 से छोटा होगा तो उसको कहना शुड बी एट लीस्ट 2 और ग्रेटर। और इसको आपने, अच्छा, इनपुट वैलिडेशन के ऊपर जब हमने बात की थी, हमने कहा था उसको बार बार वो कहना कि एंटर करो जब तक वो छोटा एंटर कर नहीं देता, है ना। इनपुट वैलिडेशन होती भी ऐसी ही है। तो ये आपने वो वाली बात की है, तो जब वो ट्रू सही वाला डाटा एंटर कर देगा तब इज प्राइम जो है वो रिटर्न होगा, अच्छा भाई कॉल होगा, सॉरी। ये मेथड कॉलिंग, यहाँ तक हमने किया हुआ है काम। अच्छा, मेथड कॉल होगा तो अब आपका कंट्रोल कैसे चलेगा। सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, यूजर को मैसेज प्रिंट करवाएगा, यूजर से डाटा ले लेगा, फिर चेक करेगा कि डाटा जो है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड नहीं है तो बार बार मांगता रहेगा जब तक वो वैलिड नहीं हो जाता। फाइनली जब वो वैलिड हो जाएगा तो क्या करेगा, इज प्राइम मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। इज प्राइम को जब कॉल करेगा, हम कहते हैं कि आपका कंट्रोल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, हेड में आया। उसने कहा कि मुझे बताओ कि तुम इंटीजर टाइप का नंबर एज एन इनपुट लेकर आए हो कोई? कहते हैं हाँ हाँ मैं लेकर आया हूँ। वहां पे तो उसका नाम वैल्यू था, जो भी था उसकी जो भी अंदर वैल्यू होगी, लेट्स से यूजर ने 7 एंटर किया, वो 7 नंबर वाले ब्लॉक में डाल देगा, कॉपी कर देगा, ठीक है। पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू, तो वैल्यू जो है कॉपी हो गई, नंबर में आके बैठ गया 7, ओके। और इसकी वर्किंग हमने बड़ी डिटेल में देखी थी, ओके। देन लाइक यहाँ पे वही कैलकुलेशंस है कि वो प्राइम है या नहीं। अगर तो वो प्राइम है तो उसके अंदर जीरो होगा, है ना। अगर वो प्राइम होगा तो उसके अंदर वैल्यू जीरो होगी। अगर वो प्राइम है तो अब हमने एसओपी नहीं करना, अब हमने रिटर्न करवाना है ट्रू। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ से रिटर्न हो गया, जब यहाँ पर रिटर्न होगा ना तो यहाँ से वो वैलिडेट करेगा, इधर कहेगा कि सही चीज ही भेज रहा है ना। कहते हैं हाँ मेरे पास तो बुलियन डेटा टाइप का कुछ आना है। कहते हैं हाँ मेरे पास भी ट्रू है, ओके जाने दो। रिटर्न यहाँ से कहाँ होगा, कंट्रोल आपका एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट पर। तो इस वाली स्टेटमेंट की जगह पर आ गया अब के बार ट्रू। ये वही बात है कि मैथ की कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लो तो एंड पे एक्स वाई जी की जगह पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, रिजल्ट होता है। तो इसका रिजल्ट उस वाले मेथड कॉल की जगह पर आकर बैठ गया ट्रू। अब इस ट्रू का हमने क्या करना है, इसी को तो हमने यूटिलाइज करना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना ले। ये वाली बात समझ आई कि ट्रू यहाँ पर कैसे बन गया। लाइक उस मेथड के अंदर से जो रिटर्न आया वो बेसिकली उसका रिजल्ट था। तो जब रिजल्ट आया तो वो अपने ओरिजिनल पोर्शन को रिप्लेस कर देता कि अब यहाँ पर ट्रू पड़ा हुआ है, ओके। तो ये सिर्फ मैं पिक्टोरियली या आप लोग को वर्चुअली समझा रही हूँ, यहाँ पे ट्रू लिखना नहीं है, ठीक है। तो इस प्राइम की जगह पर इमेजिन करो कि ट्रू आ गया, ओके। अब उस ट्रू को हमने कहीं स्टोर करना है ताकि हम उसको इन फ्यूचर यूज कर सकें। स्टोर करना है तो कहीं असाइन कर लेते हैं, किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, बूलियन फिर उसको हमने मेन में कहीं यूज भी तो करना था, मकसद ही ये था। वो बूलियन में स्टोर हो गया, स्टोर हो गया, बस सो जाए हम खत्म करने का, आउटपुट करवाना है ना। तो आउटपुट करवाने के लिए हम उसका डिसीजन भी तो कहीं चेक करेंगे ना, कहीं पे स्टोर करके,
इसको इस तरह से समझो कि अब उसने ट्रू तो कह दिया, मैंने अपने मेन को भी बताना है कि हाँ भाई उधर से ट्रू रिजल्ट आया, फिर मेन कहेगा अच्छा ट्रू आया, फिर जो मैंने काम करना है वो करने लगी हूँ। मैं क्या करती हूँ उसके आउटपुट को जो भी उसने रिजल्ट रिटर्न किया उसको कहीं पे स्टोर करवा देती हूँ। वैल्यू में ट्रू नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये जो पैरामीटर है ना ये एज एन इनपुट गया, वैल्यू लाइक यहाँ पर अगर यूजर ने 7 दिया ना तो ये सारा खत्म होने के बाद वैल्यू वाले वेरिएबल में 7 ही है, वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर 7 ही है। मैंने कहा था इस पूरे फंक्शन कॉल की जगह पर ट्रू है, लाइक फंक्शन को ना हमने मॉड्यूल्स का नाम दिया था, एक डिब्बा है तो उस डिब्बे की जगह के अंदर यानी जैसे वेरिएबल होता है तो उस पूरे मेथड के अंदर मॉड्यूल के रिजल्ट के अंदर से सिर्फ ट्रू मिला हमें। इसके ऊपर बात करनी है, मुझे रिमाइंड करवाना है, इसके फौरन बाद थोड़ी सी और बात करेंगे इस पे। तो मैं कहती हूँ इस सारे पोर्शन की जगह पर, सिर्फ वैल्यू की जगह पर नहीं, इस प्राइम राउंड ब्रैकेट सेमी कॉलन सारे पोर्शन की जगह पर ट्रू लिखा हुआ है। अब उस ट्रू को कहीं पे मैंने सेव कराया, अगर वैल्यू में होता फिर तो बाकी आपकी बात ठीक है कि वैल्यू को रीयूज कर लो, नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो उस पूरे फ्रेज की जगह पर ट्रू ला के रख रहा है। तो उस ट्रू को मैंने सेव कर लिया आउटपुट वेरिएबल के अंदर। अब मैं कहती हूँ वही वाली बात, प्रिंटिंग करवानी है या इन फ्यूचर आपने अगर यूज करना था, तो मैं कहती हूँ अगर तो आउटपुट बुलियन के ऊपर आपने मल्टी की नहीं वैसे, अगर मैं खाली इफ ऐसे लिख देती हूँ तो क्या होगा भला, इफ राउंड ब्रैकेट में आउटपुट हाँ, तो अगर आउटपुट की वैल्यू रिटर्न वहां से ट्रू हुई है तो इफ की कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी ना, तो इसको ये लिखना जरूरी तो नहीं है ना, गेटिंग माय पॉइंट, भला क्या होता है, वो कहता है इस तरफ भी ट्रू है इस तरफ भी ट्रू है, अब इसका फाइनल दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या है, ट्रू है, कंपाइलर ऐसे सोचता है ना, तो वो हमने पहले ही आउटपुट में रखा हुआ है तो हमें वो इक्वल करके कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो वाली वैल्यू भी आउटपुट वेरिएबल में पड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेक हो जाएगा। अगर तो आउटपुट के अंदर ट्रू होगा तो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो एसओपी में डाल दें डॉट प्रिंट एल एन इट्स अ नंबर वगैरह अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा, इट्स अ प्राइम नंबर एल्स इट्स अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट पे हमारी बात हो गई थी ना, क्योंकि वो कंपोजिशन होती है, कंबिनेशन होती है दो नंबर्स का, लाइक 55 किस किस का कंपोजिशन है, इसलिए आपको लगा कि जस्ट आपने आउटपुट करवा लिया, लेकिन वो जो मैंने आपको रूम अलॉटमेंट वाली एग्जांपल दी उसमें आपने क्या किया, इवन ऑड की बेस पर उसको कमरा असाइन किया था, तो उस तरह से आपने उसके आउटपुट्स को यूटिलाइज करना होता है। अभी तो आपने जस्ट चीजों को सिंपली सीखने के लिए प्रिंट करवा लिया, इन फ्यूचर आप इनको रीयूज भी करोगे। क्या था किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, रेलेवेंट वन मैडम, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब भी उसके आगे डेटा टाइप और वेरिएबल लगा देना कोई इशू तो नहीं? जैसे आपने यहां पे किया बूलियन आउटपुट इज इक्वल टू इस प्राइम, इस प्राइम पे तो हमने फंक्शन को कॉल की थी, हां हां, तो ये दोबारा नीचे लिखना है कि उसके आगे लिख देंगे बूलियन आउटपुट? मैं भी ये देखेगा मेरी बात में, एक मिनट सुलेमान, आप क्या चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये इसका जो भी रिजल्ट होगा जरूरी है कि यहीं पर बनाया जाए? मैं पूछ रहा हूँ मैडम, इज प्राइम वैल्यू ये तुम्हारा फंक्शन का कॉल है, फंक्शन कॉल है कह रहे हैं जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो शुरू में ही बूलियन आउटपुट इज इक्वल टू इज प्राइम वैल्यू लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, अब ये वाली अच्छी बात आपने पूछी। बच्चों आपको पता है इक्वल वाला साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये किस तरह से वर्क करता है? ये हमेशा वर्क करता है राइट टू लेफ्ट, तो पहले राइट वाली साइड वाला काम होगा फिर ही वो लेफ्ट वाली साइड पर असाइन होगा, जबकि एसओपी हमें पता है सिस्टम प्रिंटलाइन यहाँ से पढ़ना शुरू करता है वन बाय वन, तो ये वाली स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट है। तो आपका शायद यही क्वेश्चन था ना कि आउटपुट में वैल्यू पहले असाइन हो रही है उसका रिप्लाई बाद में आ रहा है? हाँ नहीं नहीं, याद रहे कि आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट यानी इनिशियलाइजेशन वाली, डेफिनेशन वाली या जहां भी इक्वल का साइन आता है असाइनमेंट वाला,
तो असाइनमेंट वाली लाइन इस तरह से चलती है कि पहले राइट साइड वाली जो इक्वेशन है या राइट साइड पहले इवैल्यूएट होती है, इसका रिप्लाई पहले आएगा फिर ही वो इसके अंदर असाइन होगा। जैसे मैम फार्मूला लिखते हैं पहले पूरा फार्मूला मुकम्मल होता है फिर वो उसके ऊपर। हां अच्छा सुलेमान आपने एक और चीज के ऊपर मेरा जो है ना वो तवज्जो करवा दी है। क्या बात है भला वो मैं कह रहा था कि हम लोग इसको वेरिएबल किसी में स्टोर करवाएं ना अच्छे से बैठे इसको यूज करने डायरेक्ट। मैं करवाना चाहती थी लेकिन अभी इस लेवल पे हम बाकी बच्चों को इस तरह नहीं पढ़ा सकते है ना, वो मुश्किल हो जाएगा डाइजेस्ट करना। हां मैं तो लेकिन हम लोग अगर अपना प्रोजेक्ट कोई बना रहे होंगे तब तो हम कहेंगे क्या वेरिएबल जाया करना है उसमें डाल दो डायरेक्ट उसका रिजल्ट। आप लोग ऐसे इजी हो जाएगा लेकिन अभी चीजों को डाइजेस्ट करवाने के लिए ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लेख आसान करके लिखा हुआ है।